कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। चलो चमकी, नाटक की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ गोगी। ठीक है गोगी, मैं सोच रही थी जिनका एंट्री मैं छुप के लूँ तो। हाँ गुड आइडिया, यही ठीक है। ओ रेडी? मैं रेडी हूँ गोगी। ठीक है मैं भी। चिराग, क्या हुक्म है मेरे आका? अच्छू आका, चमकी, गुगली, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अच्छू, अच्छू। अरे अच्छू, मैं चीनी हूँ। मेरा मतलब स्कूल के नाटक में मैं चीनी का रोल कर रही हूँ। सारा नाटक चीनी की एक्टिंग पे ही तो टिका होता है चमकी। बहुत ही जरूरी रोल है, वो तो है। थोड़ा सा मुश्किल भी है ना? तुम तो बहुत खुश होगी चमकी। टीचर ने भी कहा था आचू अगर मैं सबके सामने अपनी लाइन भूल गई तो। नहीं भूलोगी चमकी। चलो एक बार और प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। ओके एक बार प्रैक्टिस करते हैं। चलो चमकी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ये जगह ठीक है। हाँ ठीक है, आचू तुम देखोगी ना? बेस्ट चमकी। थैंक यू आचू। हाँ रेडी गोगली। मैं रेडी हूँ गोगली। ओके ओके। चमकी, क्या हुक्म है मेरे आका? ओके देखा गोगली, मैं लाइन भूल गई। चमकी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम्हें पता है एक बार एक नाटक में मैंने भी राजा का रोल किया था। वाह। बड़ा ही खास रोल था। पर स्टेज पे जाने के पहले मैं नर्वस हो गई, मैं बहुत घबराई। फिर अच्छू तुमने उस घबराहट को कम कैसे किया? मैंने बस बताओ ना अच्छू। अच्छू अच्छू ओह नो, वो गई अच्छू तो चली गई। अब क्या करें? अब मैं कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी ना स्टेज में। नहीं चमकी, आइडिया, गाने और एक्टिंग में सुपर कूल आमिर, वो हमारी हेल्प करेगा। वो मदद कर सकता है। चलो चमकी, गुगली। हाय आमिर। अरे कल तो तुम्हारा नाटक है ना? कैसी चल रही है तैयारी? आमिर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हैं? लेकिन तुमने तो अच्छे से प्रैक्टिस की थी ना? हाँ आमिर, मगर इतने सारे लोगों के सामने अगर मैं गिर गई या अपनी लाइन भूल गई तो सब मुझ पे हंसेंगे। समझा चमकी, तुम्हें ना दरअसल घबराहट हो रही है। ऐसा होता है जब हम पहली बार स्टेज पर जाते हैं या फिर कोई नया काम करना होता है जो हमने पहले कभी ना किया हो, तो अक्सर हमें घबराहट होती है। पर अब हम क्या करें? हाँ क्या करें?
अब हम इस घबराहट को कम करने का, इसे दूर भगाने का तरीका ढूंढेंगे। वो कैसे? तुम्हें पता है, जब मुझे घबराहट होती है ना, तो मैं लंबी लंबी सांसें लेता हूँ। देखो ऐसे, और घबराहट दूर हो जाती है। तुम भी ट्राई करो। हुई घबराहट कम? थोड़ी थोड़ी। तो हम अब एक काम करते हैं, हम अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। पता है, दूसरों के सामने प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। अच्छा। ओके। कम ऑन चमकी, अब लंबी लंबी सांसें लो और अच्छी अच्छी बातें सोचो। अगर तुम इन लोगों के सामने आज कर सकती हो, तो कल स्कूल में भी कर सकती हो। लंबी लंबी सांसें। वेरी गुड। मैं कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ कुकी। जादुई चिराग। वेरी गुड चमकी, मुझे पूरा यकीन था तुम कर पाओगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं घबराई भी नहीं और पता है मुझे सारी लाइंस भी याद थी। एक बार फिर से करते हैं। ओके। तुम कौन हो? मैं हूँ महान हीरो। आपको जिन का रोल करते देख इतना इंप्रेस हो गया कि आपसे एक्टिंग सीखने चला आया। क्या आप मुझे जिन बनना सिखाएंगी? वाह, क्या जगह है! कितनी सुंदर, कितनी शांत। अरे ग्रोवर, तुम तो डर गए। डर? वाह, मिल गया आज का शब्द। डर। डर का मतलब क्या होता है? घबराना, scared, afraid। आपको किन चीजों से डर लगता है? मुझे ऊंचाई से डर लगता है, डॉक्टर की सुई से डर लगता है। जब लाइट चली जाती है, पटाखों की आवाज से। तो जब आपको डर लगता है, तो महसूस कैसा होता है? पसीने आने लगते हैं और चीख भी निकल जाती है। जब आपको डर लगता है, तब आप क्या करती हो? लंबी लंबी सांसें लेती हूँ। मम्मी को हग करता हूँ। अब समझा, जब कभी भी तुम्हें डर लगे, तो उस पर काबू पाने के लिए लंबी लंबी सांसें लो, ऐसे। ड्रमर एल्मो, ये रही तुम्हारी ड्रमर वाली कैप। अब तुम प्रैक्टिस के लिए तैयार हो। थैंक यू पापा। ड्रमर एल्मो और
गिटारिस्ट पीकू मिलके खूब म्यूजिक बजाएंगे। अच्छा अलमा, तुम्हारे बैंड का नाम क्या है? बैंड का नाम? बैंड का नाम तो एमो ने सोचा ही नहीं। एमो ने सोच लिया पापा। बैंड का नाम है एल्मो और पीकू। अच्छा है, अच्छा है। क्यों ना हम इसे जरा सा छोटा कर दें? एल्मो पी एलपी कैसा रहेगा? एलपी? एलपी? एलपी! ये नाम तो और भी अच्छा है। एलपी! ये! ओह, फोन। हेलो, ठीक है, बाय। एलपी, पापा, एल्मो को जल्दी से पीकू को बताना है। एल्मो को पता है, पीकू को भी ये नाम बहुत अच्छा लगेगा। एल्मो, थोड़ी गड़बड़ है। क्या? पीकू आज खेलने नहीं आ सकती है। पर एल्मो और पीकू को प्रैक्टिस करना था। लगता है तुम आज प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी। हाँ, पर एल्मो मुझे बताना था कि हमारे बैंड का नाम एलपी है। वो भी तुम आज नहीं बता पाओगे। एल्मो, तुम ठीक हो ना? नहीं, एल्मो को बहुत गुस्सा आ रहा है पापा, और एल्मो को बुरा भी लग रहा है। मुझे लगता है एल्मो कि पीकू के ना आने से तुम निराश हो गए हो। निराश? हाँ एल्मो, जब हम कुछ चाहते हैं वैसा नहीं होता तो हमें जो लगता है उसे निराश होना कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा थोड़ा उदास। हाँ पापा, एल्मो निराश है। कोई बात नहीं एल्मो, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। सच्ची पापा? बिल्कुल। तो पापा को भी निराश होकर ऐसा बुरा लगता है? हाँ एल्मो, और फिर मैं खुद को शांत करने की कोशिश करता हूँ। कैसे पापा? सबसे पहले लंबी सांस लो। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ो। एक बार और। थोड़ा ठीक लगा? अभी भी थोड़ा निराश है। एल्मो को आज ड्रम की प्रैक्टिस करने का बहुत मन था पापा। निराशा दूर करने का एक और तरीका है। क्या? निराश होने पर प्लान बदल कर मूड को भी बदला जा सकता है। प्लान बदल के? हाँ, जैसे क्यों ना मैं और तुम एक साथ प्रैक्टिस करें। पापा और एल्मो एक साथ? तुम ड्रम्स और मैं ताली। हाँ, और पापा और एल्मो के बैंड का नाम होगा एल्मो पापा। एल्मो पापा? हाँ, पापा नाम थोड़ा छोटा करते। हाँ, एल्मो पापा, एल्मो एल्पा। एल्पा, हाँ क्या बात है, तो हो जाए। क्या एल्मो अब भी निराश है? हाँ? नहीं पापा, एल्मो अब ड्रमर है। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक नए दोस्त से और गणित की दुनिया में देखेंगे अनी की नई चाल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम सिम, सिम सिम गली गली सिम सिम। गली
गली गली सिम 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 गली गली सिम सिम। हाय बर्ट, प्लीज मेरे साथ खेलो ना। अभी नहीं अर्नी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ओह, एक बढ़िया आइडिया है। अर्नी, मुझे ये किताब खत्म करनी है। एक खेल खेलते हैं। ठीक है, बताओ, पर मजेदार होना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ बर्ट। अर्नी, हम कहाँ हैं? घबराओ नहीं बर्ट, अभी पता चल जाएगा। ये कौन सी जगह है? ये है गणित की दुनिया। वाओ, इतनी सारी यमी चीजें। आज का खेल क्या है अर्नी? अगर तुमने आज का खेल पूरा कर लिया तो तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा बर्ट। आज का खेल है दो से जीतो। मैं तुम्हें बारी बारी से टोकरियां दूंगा और तुम्हें उन टोकरियों में गिनकर इन यमी चीजों में से दो दो चीजें रखनी है। अर्नी, तो मुझ पर फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे? नहीं बर्ट, कोई चाल नहीं। खेल पूरा करो और इनाम जीतो। दो से जीतो। ये लो बर्ट, पहली टोकरी। इसमें तुम्हें रखनी है इडली। इतनी सारी इडलियों में से मुझे दो उठाकर इस टोकरी में रखनी है। एक, दो, दो इडलियां। आहा, मैंने दो इडलियां गिनकर टोकरी में रख दी। वाह बर्ट, बहुत खूब। अब अगली टोकरी की बारी। अब तुम्हें रखने हैं सेब। यानी इन सारे सेबों में से दो सेब गिनकर। अभी लो। एक, दो, दो सेब। बहुत बढ़िया बर्ट। अब अगली टोकरी। तुम्हें इसमें रखने हैं लड्डू। घबराओ नहीं बर्ट, ये आखिरी वाली है। गिनकर दो लड्डू। एक, दो, दो लड्डू। वाओ बर्ट, तुमने पूरा खेल खत्म कर लिया। थैंक यू अर्नी, पर मेरा सरप्राइज कहाँ है? बर्ट, हर टोकरी में दो दो यमी चीजें हैं पिकनिक के लिए। अब हमें चाहिए दो दोस्त साथ में पिकनिक जाने के लिए। एक मैं और एक तुम, दो दोस्त। हम दोनों दोस्त पिकनिक जाएंगे। सरप्राइज बर्ट। ये पिकनिक, और तुमने इस बार कोई चाल भी नहीं चली। बहुत मजा आएगा अर्नी। लो, बन गई मेरी पेपर बोट। हाय, मेरा नाम करुणा है और मैं रहती हूँ झीलों के शहर नैनीताल में, जहाँ पेपर बोट नहीं, असली बोट चलती है। झील में अलग अलग टाइप की बोट दिखती हैं, जैसे कि लकड़ी के ये रॉ बोट जो चप्पू से चलती है, पैडल बोट जो पैरों से पैडल दबा दबा के चलती है, और सेल बोट या यॉट जो हवा के फोर्स से चलती है। पापा जानते हैं मुझे बोट्स कितनी पसंद है, इसलिए वो मुझे आज सेल बोट यानी यॉट के बारे में कुछ सिखाने लाए हैं। लो, पहुंच गए हम नैनीताल के बहुत ही पुराने और फेमस बोट क्लब में। पहले पापा मुझे सेलिंग के बारे में कुछ मेन बातें बता रहे हैं, और अब हम जाएंगे सेलिंग। ये यॉट में बैठने से पहले सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है। ये है हमारी आज की यॉट। इसे चप्पू से नहीं बल्कि हवा के फोर्स से चलाते हैं। पापा मुझे यॉट के सारे पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं। ये यॉट का मेन सेल है, इससे यॉट हवा पकड़ के आगे बढ़ती है। ये है रडर, और ये है रस्सियां जिनको खींच के हम सेल का एंगल बदल सकते हैं। ऐसे चलती हवा का फोर्स सेल को फुला देता है, जिसकी वजह से हमारी बोट आगे चल पड़ी है। डायरेक्शन बदलने के लिए हम रस्सियों से सेल का
एंगल बदलते हैं। एक तरफ को अपनी बॉडी का वेट डाल के ऐसे एंगल पे बैठ के बोट को डायरेक्शन देते हैं। देखो ऐसे चली ना बोट हमारे जोर लगाने से, और ऐसे हमने झील का एक पूरा राउंड ले लिया। आज का दिन इतना अनोखा और मजेदार था। थैंक यू पापा, आप बेस्ट हो। चमकी ने अपने स्कूल कॉन्सर्ट के लिए एक बढ़िया सा पंखा मंगवाया है। आचू, चमकी ने एक जरूरी मैसेज भेजा है। हाय गुगली। आचू तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ गुगली मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। चमकी ने बोला कि उसे नीला वाला पंखा चाहिए। मुझे लगता है उसे पीला ही अच्छा लगेगा। आचू पर आचू ने तो ध्यान से सुना भी नहीं। तू बोले तो मैं सुन लूं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। सुन ले रे, सुन ले रे। बीच में टोकू ना मैं, मुझे बीच में रोके ना तू हारे। सुन ले रे, मन से सुन ले, शाबा शाबा। कान से सुन ले, शाबा शाबा। ध्यान से सुन ले, शाबा शाबा। सुनते रहना, सुन पूरा पूरा कहना हारे। सुन ले रे, चौकन्ने मन से सुनना, तू शांत शरीर से सुनना हारे। सुन ले रे, दोनों बोलेंगे बारी बारी, दोनों सुन लेंगे बारी बारी, एक दूजे की बातें सारी सारी हम सुन ले, सुन ले पूरी बॉडी से। भी मस्ती भरे वीडियोस, गाने और गेम्स के लिए मोबाइल या कंप्यूटर से www.galligallysimsim पे लॉग ऑन करें। फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस, सॉन्ग्स एंड गेम्स फ्रॉम द गली, लॉग ऑन टू www.galligallysimsim.com फ्रॉम योर मोबाइल और कंप्यूटर।